आप लोगों को अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड मैट्रिक्स वाई इफ 2x प्लस 3y आर गिवन एंड 3x प्लस 2y आर गिवन। सो यहाँ पे इस वीडियो को आप 3 मिनट्स के लिए पॉज करें और इसका आंसर खुद से निकालें। आई होप आप सभी ने इसका सही आंसर निकाला होगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि कैसे आंसर आता है। हम 2x प्लस 3y को इक्वेशन 1 मानते हैं एंड 3x प्लस 2y को इक्वेशन 2 मानते हैं। अब अगर फर्स्ट इक्वेशन को स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नई इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 6y, इसे हम इक्वेशन 3 बोलते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 2 को स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी जिसे हम इक्वेशन 4 बोलेंगे, विच इज 9x प्लस 6y। अब अगर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास -5x आ जाएगा। यहां से हम मैट्रिक्स x की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि ऐसी दिखेगी। अब हम अगर इक्वेशन 1 में x की वैल्यू डालें तो हमारे पास 3y की वैल्यू आ जाएगी, इससे हमारे पास y मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा।